हाय, वेलकम टू एजिन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम माइक्रो 820 पीएलसी को मॉडबस आरटीयू मास्टर बना करके, माइक्रोलॉजिक 1400 को स्लैब बना करके मॉडबस आरटीयू की टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि आप कैमरे में देख पा रहे हैं, ये माइक्रो 820 पीएलसी है। इस पीएलसी को हम मॉडबस आरटीयू मास्टर बनाएंगे और ये पीएलसी जो माइक्रोलॉजिक 1400 है इसको हम मॉडबस आरटीयू स्लैब बना देंगे और फिर इसमें जो भी डेटा होगा उसको हम रीड करेंगे माइक्रो 820 पीएलसी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्लैब पीएलसी के लिए कुछ सेटिंग करेंगे। स्लैब पीएलसी के अंदर हम चैनल में जाएंगे और जीरो चैनल को हमने मॉडबस आरटीयू स्लैब सेलेक्ट कर दिया और इसके अंदर हमने कॉइल 10 नंबर फाइल, कॉन्टैक्ट 11 नंबर फाइल और इनपुट रजिस्टर 13 और होल्डिंग रजिस्टर 14, ये हमने फाइल इसकी इसमें डाल दी है और यहाँ पर ये फाइल डाल दी और इसका नोड एड्रेस हमने 2 डाल दिया। ये चीज़ें हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दी और यहाँ पर RS-485 नेटवर्क सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरह की ये सेटिंग कर दी। अब हम टेस्टिंग के लिए होल्डिंग रजिस्टर में कुछ वैल्यू डालेंगे और उस वैल्यू को हम मास्टर पीएलसी से यानी कि माइक्रो 820 पीएलसी से रीड करेंगे। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दिया, इसको ओके कर देते हैं और इस पीएलसी इसमें जो N14:0 से लेकर के N15 तक यानी कि इसमें हमने 16 एलिमेंट ले लिए हैं। अब इसको एक बार हम डाउनलोड कर देंगे इस पीएलसी के अंदर डाउनलोड कर देंगे। तो N14 वाली फाइल में जो भी डेटा हम यहाँ पर डालेंगे उसको हम माइक्रो 820 पीएलसी में मॉडबस आरटीयू मास्टर बना करके रीड करेंगे। कुछ ही वैल्यू यहाँ पर सेट कर देते हैं। ये जो भी वैल्यू यहाँ पर हैं इसको हम रीड करेंगे। तो इस पीएलसी काम हो गया है। अब हम माइक्रो 820 पीएलसी की सेटिंग कर लेते हैं। तो इसके अंदर सीरियल पोर्ट की जो सेटिंग है वो इस तरह की सेटिंग रहती है। इसके अंदर हम मॉडबस आरटीयू सेलेक्ट करेंगे और बॉड रेट हम इतनी रखेंगे जो हमारी स्लैब आईडी की है वही, और मॉडबस रोल में हम मास्टर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इसको मास्टर बना रहे हैं। तो ये इसकी सेटिंग थी, ये इसकी सेटिंग कर दी। अब इसके अंदर प्रोटोकॉल की सेटिंग हम RS-485 करेंगे और 8 बिट और स्टॉप बिट 1 रखेंगे। तो इस तरह की ये हम सेटिंग करेंगे। ये हमारी मॉडबस सीरियल पोर्ट की सेटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाएंगे, इसके अंदर हम मॉडबस का इंस्ट्रक्शन लेंगे और यहाँ पर हम टैग बनाएंगे। जैसे ये कैंसिल लिखा है तो हम एक यहाँ पर कैंसिल का टैग बना देंगे उसके बाद जैसे ये लोकल लोकल कॉन्फ़िग का बना है लोकल कॉन्फ़िग का बना देंगे अब लोकल कॉन्फ़िग का बनाने के बाद इसके अंदर हमें कुछ सेटिंग करनी होती है। जैसे कि ये चैनल में हम ये ऑनबोर्ड वाला चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जाएंगे एडिटिंग में और यहाँ पर हम वैल्यू सेट करेंगे। जैसे चैनल की बात करें तो चैनल हमने यहाँ पर
ऑनबोर्ड वाला चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका हम वैल्यू 2 डालेंगे, और ट्रिगर टाइप ये कंटिन्यूस करना है इसको 1 कर देंगे। अब इसके अंदर लोकल कॉन्फिगर कमांड हम होल्डिंग टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 3 डालेंगे, और लोकल कॉन्फिगर एलिमेंट काउंट इसमें हम कितने काउंट लेना चाहते हैं, हम मान लीजिए 16 काउंट ले लेते हैं, 16 एलिमेंट को हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारी यहाँ पर सेटिंग हो गई है। इसके अंदर हमने ये वाले पैरामीटर सेट कर दिए, तो इसको ले लिया। अब उसके बाद हम टारगेट डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो इसके लिए अभी एक हम टैग बना देते हैं, टारगेट कॉन्फिग, ये हमने एक टैग बना दिया ग्लोबल में। अब इसके अंदर की जो पैरामीटर हैं उसको सेट कर लेते हैं। इसके अंदर टारगेट कॉन्फिगर एड्रेस आप कहाँ से यूज करना चाहते हैं, हम यहाँ पर 1 से इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि 4001, 4002, 34 इस तरह के एड्रेस को ये 1 नंबर से स्टार्ट करेगा। और टारगेट नोड यानी कि उस स्लैब आईडी का कितना एड्रेस है उसको मैंने यहाँ पर दिखाया था आपको, इस पीएलसी में ऑलरेडी कंट रखा है, उसका नोड एड्रेस जो है वो 2 है, तो इसको हम 2 डालते हैं। ये हमने कॉन्फिगर कर दिया। अब लोकल एड्रेस की बारी आती है, तो लोकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पर हमें डेटा को रीड करना है। तो जैसे इसमें हमने N14 वाली फाइल में हम ये वाली फाइल को टेस्ट कर रहे हैं, तो N14 के जो डेटा है N14:0, N14:1, इससे N14:15 तक जो 16 डेटा हैं इन्हीं को हम रीड कर रहे हैं, तो इनको हम इस लोकल एड्रेस में रीड करेंगे। तो यहाँ पर एक हम लोकल एड्रेस का टैग बना देते हैं, ये हमने लोकल एड्रेस का एक टैग बनाया। तो ये हमारा लोकल एड्रेस टैग बन गया है। तो ये तो हो गई हमारी प्रोग्रामिंग, हमने स्लेव आईडी की कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर ली और इसका भी हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब हम एक बार इसके कनेक्शन बता देता हूँ। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसके जो माइक्रोलॉजिक 1400 जो हमने स्लेब बनाई है इसमें हमने एक NC01 केबल लगाई है, उसमें ए और बी 2 पॉइंट हैं, उसको हमने माइक्रो 820 पीएलसी के D+ और D- पर लगाया है, यानी कि ए को हमने D- पर लगाया है, बी को हमने D+ पर वायरिंग करी है। अब हम इस प्रोग्राम को एक बार पीएलसी के अंदर डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए हम साइड बाय साइड दोनों मास्टर और स्लेव को ओपन कर लेते हैं। इसमें जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर एंटर कर रखी है वो वैल्यू हम यहाँ पर हमको रीड होनी चाहिए। इन लोकल डेटा में हमने 16 डेटा को रीड करना है। आप देख पाएंगे कि ये जो वैल्यू है सेम वैल्यू यहाँ पर रीड होके आ गई। अब मैं एक बार इसको चेंज करके टेस्ट करेंगे, तो चेंज हम यहाँ पर करेंगे, आप यहाँ पर रीड कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए 200 पड़ा है, मैं इसको 150 करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 150 किया यहाँ पर भी 150 पहुँच गया। ऐसे ही अगली कुछ वैल्यू हैं, जैसे ये 520 पड़ा है इसको हम 120 करते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ 120 आ गया। ऐसे ही ये
213 पड़ा है, इसको हम 123 कर देंगे, तो यहाँ पर 123 आ गया। और ये 55 पड़ा है, इसको 546 करेंगे, तो यहाँ पर जैसे एंटर करेंगे यहाँ पहुँच जाए। ऐसे ही ये जो भी वैल्यू हम चेंज करेंगे, मान लीजिए हम तो 16 वैल्यू को हम यहाँ पर मान लीजिए कुछ डाल देते हैं 1500, तो ये 1500 लास्ट वाली वैल्यू जो हमने रीड किया है ये 1500। बाकी इसमें एलिमेंट और भी हैं, 125 एलिमेंट हैं, बट हमको 16 एलिमेंट हमने रीड किए हैं, तो 16 एलिमेंट यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि माइक्रो 820 में डेटा को कैसे रीड करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।